नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल चतुर्वेदी। स्वागत है आपका तपस्वी आईएएस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थ लार्जेस्ट वोल्केनिक रीजन के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं, 13 मई से हम अपना वीडियो लेक्चर कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 8 सब्जेक्ट के वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस वीडियो लेक्चर कोर्स को पाने के लिए आपको अपनी डिटेल्स info@upscias.com में सेंड करनी है, और अर्ली बर्ड डिस्काउंट के साथ ये वीडियो लेक्चर कोर्स आपको 4999 रुपीज में पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सो रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग इन ब्रिटेन हैव डिस्कवर्ड द लार्जेस्ट वोल्केनिक रीजन ऑन अर्थ, एंड दैट इज 2 किलोमीटर बिलो द सर्फेस ऑफ द वास्ट आइस शीट इन वेस्ट अंटार्क्टिका। देखिए, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका ब्रिटेन। जो रिसर्चर्स हैं वो ब्रिटेन के हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। इसके बाद जो लार्जेस्ट वोल्केनिक रीजन इन्होंने फाइंड आउट किया है वो 2 किलोमीटर अर्थ सरफेस से अंदर है, और अर्थ सरफेस दैट मींस अंटार्कटिका शीट के अंदर, वेस्ट अंटार्कटिका शीट, राइट। सो साइंटिस्ट डिस्कवर्ड 91 वोल्केनोस बिलो अंटार्कटिक आइस शीट। अंटार्कटिक आइस शीट के अंदर 91 वोल्केनोस मिले। आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज अमाउंट में वोल्केनोस वहां पे हो सकते हैं, ठीक है, जो अभी इरप्ट होना स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन ये बहुत ही सीरियस इश्यू है, इसको देखना है। सो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह से ये स्कैटर्ड है ये सारे वोल्केनोस। सो साइंटिस्ट have uncovered the largest volcanic region on Earth that is 2 km below the surface of the vast ice sheet that covers West Antarctica. यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है, एक तो 2 किलोमीटर अंदर है वो अर्थ सर्फेस से, ठीक है। सेकेंड थिंग, वेस्ट अंटार्क्टिका में, एट द हाइट ऑफ दिस न्यूली डिस्कवर्ड वॉल्केनोस रेंज फ्रॉम 100 to 3,850 meters, विद द हाइएस्ट ऑलमोस्ट एज टॉल एज स्विट्जरलैंड 3,970 मीटर एगर माउंटेन। स्विट्जरलैंड का जो एगर माउंटेन है लगभग उसके बराबर है, जो इसका टॉलेस्ट माउंटेन है इस रीजन का, वो स्विट्जरलैंड के एगर माउंटेन के बराबर हो रहा है। आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज है, कितना बड़ा है ये। दीज एक्टिव पीक्स आर कंसेंट्रेटेड इन अ रीजन नोन एज द वास्ट वेस्ट अंटार्कटिका रिफ्ट सिस्टम विच स्ट्रेचेस 3,500 किलोमीटर फ्रॉम अंटार्कटिकास रोस आइस सेल्फ टू द अंटार्कटिका पेनिनसुला। जियोलॉजिस्ट से दिस ह्यूज रीजन इज लाइकली टू ड्वार्फ ईस्ट अफ्रीकन वोल्केनिक रिज करेंटली रेटेड एज द डेंसेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ द वोल्केनोस इन द वर्ल्ड। अभी तक जो डेंसेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ वोल्केनोस इसको माना जाता था वो था आपका ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, बट इसके बाद जो अभी डिस्कवर किया है साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका शीट के पास, वो उसके सामने ये बहुत छोटा है, ठीक है। यानी अंटार्कटिका शीट वाला जो वोल्केनोस साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर किया है वो अब तक का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वोल्केनिक रीजन है। इसमें जो इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं, देखिए इंपॉर्टेंट कंसर्न सबसे ज्यादा क्या है कि If one of these volcanoes were to erupt, it could further destabilize West Antarctica's ice sheet. अगर कोई भी volcano erupt होता है, अभी तो volcano ने erupt करना start नहीं किया है, लेकिन अगर eruption होता है उस केस में क्या होगा? पहली बात, वो West Antarctica की जो ice sheet है उसको destabilize कर देगा। जब destabilize करेगा उससे क्या होगा, ऊपर की जो ice है वो melt होगी, melt होकर के वो ocean में आएगी, और इसकी वजह से ocean का लेवल ऊपर बढ़ेगा। अब जब लेवल ऊपर बढ़ेगा दैट मीन्स वो लैंड एरिया को कम कर देगी, यानी कि मतलब फाइनली ये बहुत ही सीरियस इश्यू है। और इस इश्यू का जो बिगेस्ट क्वेश्चन है वो है हाउ एक्टिव आर दीस वोल्केनोस, क्या उनका परसेंटेज है, क्या चांसेस है कब वो इरप्ट होंगे, तो ये पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी। सो दैट इज समथिंग वी नीड टू डिटरमाइन एज क्विकली एज पॉसिबल। जितना जल्दी इसके बारे में पता लगाया जाता है उतना ही ह्यूमन काइंड के लिए या अर्थ को सेव करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।